आइए दोस्तों, हम उत्तराखंड हरिद्वार में हैं। पहले भी हम एक भगत जी का इंटरव्यू ले चुके हैं, आज उनसे फिर मिलते हैं उनके कुटिया स्थान पर, जिसे हम आज उनसे इसी बारे में बात करेंगे कि तो भगत जी कैसे हो आप। देखो, उस दिन हमने आपका इंटरव्यू लिया था, यहाँ पर बैठे थे। आज हम आपकी कुटिया के बारे में जानना चाहेंगे। आप भी थोड़ा नज़दीक आ जाइए, हमारे बाबा जी आ जाएगी, इनकी आवाज़ भी आ जाएगी। इन्हीं को ले लो। कुटिया के बारे में उस दिन कह रहे थे कि कुटिया का क्या महत्व है एक साधु के जीवन में। कुटिया के देखो, महत्व तो हमारा बहुत है। कुटिया का महत्व क्या है आपके जीवन में? कुटिया का महत्व जीवन में यही है कि बाकी रंग ढंग से कोई वो नहीं है, एक साधारण कुटिया ही साधु के लिए, संत के लिए बहुत ही महत्व है। कुटिया ऐसे ही पता है जैसे बाकी इंसानों का पता होता है, वैसे ही पता है, क्योंकि साधु के लिए जो है ना, ज़्यादा वो कोई रंग ढंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, महल वहल की, कोठी की, बंगला की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बस कुटिया अपना हो, संभाल जाए, हम संभल जाएं, हमारी जगह संभल जाए, बस यही इतनी बहुत है। आपको कुटिया संभालती है या आप कुटिया को संभालते हैं? कुटिया देखो हमारे को ही संभाल लेती है, है ना। हाँ, और जहाँ तक हम थोड़े सा संभाल लेते तो हमारे को थोड़ी संभालती है। कुटिया से आपको सच में मोहब्बत है ना? सच में ही लगाव है आपको, कुटिया से लगाव है ना। हाँ, क्योंकि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा कुटिया है। आप कभी यहाँ पे कुछ विशेष, जैसे यहाँ से दूर चले जाते होंगे तो रोज यहीं रहते हैं, कभी कभी चले भी जाते हैं? डेली रहते हैं, प्रतिदिन रहते हैं यहीं 6 घंटा। कभी कभी यहाँ से हम थोड़ा सा कभी कहीं चले गए तो उसके बाद हम फिर आ जाते हैं। आइए 2 मिनट इधर बात करते हैं आपसे। कुटिया से बाहर आ जाइए तो नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे लो आप, जिनको पूरा लो आप, क्योंकि इनको भगत जी को तकलीफ भी है बाबा जी को, परंतु इसी बारे में कुछ पूछते हैं। क्या नाम बताया आपने बाबा जी? हमारा नाम है कृपा शंकर। कृपा शंकर नाम है दोस्तों भगत जी का, बाबा जी का। यह आपका हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, पहला वीडियो भी दोस्तों आपने देखा ही है इनका। तो इस दूसरे वीडियो में मेरा उद्देश्य कुटिया से संबंधित था कि कुटिया से कितना लगाव है आपका, और कुटिया आपके यहाँ इसलिए क्योंकि लगाव आपका ऊपर वाले से। कुटिया तो चाहिए ना सबको, रहने का तो कोई ना कोई ठिकाना चाहिए चाहिए चाहिए। आप कुछ ईश्वर के बारे में कहो, आप आपको तो पहले भी देख चुके हैं मेरे चैनल पर, कुछ कहना चाह रहे हैं ईश्वर, बोलो आप कि कुटिया का क्या महत्व है जीवन है। कुटिया और घर एक ही बात है, संसार रूप से वो घर कहते हैं, साधु भी कुटिया कहते हैं। इंसान को थोड़ा से संबंध होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर का छत्रछाया होनी चाहिए, थोड़ा से कि हमारा सौदा या हम थोड़ा बच जाएं, ये संबंध होती है। बाकी ज़्यादा चीज़ से संबंध नहीं है कि हम उसके अंदर घुसेंगे महल के अंदर। वो अच्छा, महल ऐसा आपके लिए महल से ज्यादा कीमती तो ये लगती है? बहुत कीमती है हमारे लिए, यही बहुत है। महल वेल कुछ नहीं, एकदम धूल से ही, मिट्टी से ही, भारत माता से हम प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा ही जीवन ये हमारा ही साथ देता है। हम इनके साथ देते हैं, हमारे साथ देते हैं। आप गंगा माई के चरण में हैं, सबसे बढ़िया। कुछ 12 साल, आप 12 साल हो गए ना आपको, कुछ खास चीज ऐसे बताइए ना मेरे देखने वालों को, आपको भी देखने वालों को, जो जिसको उनको लगे कि हाँ 12 साल से आपने तपस्या की है, तो वो कुछ खास उनको बोलिए कि संतुष्टि कैसे प्राप्त हुई आपको। संतुष्टि ऐसे प्राप्त हुई है, आप क्योंकि खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, ऐसे संतुष्टि हुई कि हम जो है देखो अपने जीवन में जब से लेके तब से लेके और अब से लेके जब से हम अपना परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम किया, चाहे जैसा भी किया, उसमें हम एकदम खुश रहे, अभी तक खुश हैं, हम खुश ही रहते हैं। हमारा ये जीवन, हमारा ये लक्ष्य, हम तो सोचते हैं कि मरते दम तक जो है हमारा
साथ गंगा माई हमारे देगी, हम उनके चरणों में हैं, हम उनमें समर्पित हो जाएंगे। और हमारा ये जो मिट्टी जो है, मिट्टी से हमारा बहुत लगाव है, मिट्टी हमारा एक जो है वो है दोस्त है, कुटिया तो है ये है। अच्छा, ये छत्र छाया हमारे को बचा रखा है, जीवन देती है, देता है। कुटिया की छत्र छाया आपके ऊपर, कुटिया के छत्र, कुटिया पे छत्र छाया ऊपर वाले की, ऊपर वाले की। अच्छा, आपने बताया कि आप यहाँ राम 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 भी लिखते हैं। राम राम हम जरा जाप हमारा भजन क्या आपकी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, अभी नहीं लिख पा रहा कुछ दिन से। नहीं, कोई बात नहीं महाराज जी, मैं मेरे जानने वालों को, आपने जानने वालों को, मेरे चैनल वालों को आप ये बताइए, जब आप गंगा किनारे हरिद्वार में जब आप सुबह उठते हैं, कितने बजे से उठ के क्या रहता है आपका दिनचर्या, जानना चाहेंगे जो लोग साधु सन्यासी की जिंदगी जानना चाहते हैं, वो क्या सुबह जैसे सुबह उठते हैं आप, क्या रहती दिनचर्या? दिनचर्या देखो, सुंदरता यही है कि दिनचर्या देखो, सवेरे जब हम उठते हैं तो धरती माता का, मिट्टी का हम पहले स्पर्श करते हैं, पहले हम झांकते हैं, निहारते हैं अपना धरती, फिर हम झांकते हैं सूर्य नारायण को अपने, उनको करते हैं अंतरात्मा को, कि हमारे को जो है श्रद्धा वो दृढ़ जो है हमारे को बनाए रहे, हमारे को प्रेम रखे, हमारा फूल जैसा जीवन सारा दिन चले, और हमारे इसी तरीके तुम्हारे चरणों में हमारी रहे, हम जो है यही हमारी नमन है, यही विनती है, यही वो है। गंगा मैया के दर्शन अब बिल्कुल तट पर ही है, गंगा मैया के कितनी बार कर हमारे लेते को हैं? हम कर लेते हैं बस एक बार पहुंच जाते, वही हमारा बहुत है। क्या या सुबह या शाम गंगा मैया से क्या मांगते हैं? गंगा मैया से यही मांगते हैं कि गंगा मैया आपके चरणों में है, माँ आपका दर्शन हमारा होते रहे, मिलन होते रहे, और मिट्टी आपका जो है हम छूते रहें, आपको करते रहें। एक्चुअली मिट्टी में सब मिल जाना, मिट्टी से आते हैं तो मिल जाना, ये तो सबसे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा महामंत्र है। हाँ, मिट्टी में चले जाना, मिट्टी में ही मिल जाना, सब इसी में ही है। हम धरती मैया का स्पर्श करते रहे 10 उंगलियों से, और हमारा पांव जो है हमारा मथा आपके उस दिन। जब आप राम राम लिखते हैं तो कितना लिखते हैं एक दिन में, या कब कब लिखते हैं? कम से कम कुछ नहीं तो वैसे देखो तो कहा गया है एक पृष्ठ बहुत है एक दिन का, लेकिन हम जब लिखने लगते हैं ना कम से कम 2 पन्ना भर देते हैं। अच्छा, मेरा महाराज जी आपसे सवाल है कि जब आप राम राम लिखते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ खास लिख रहे हैं, राम जी आ जाते हैं आपके लिखने में? खास आ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा नेत्र और अपना जो है मन एक जगह वो रहती है, दूसरी जगह मन नहीं भागती, मतलब वो आपको वैसा जगह नहीं जाती, आपका मन का, मन को आकर्षित करने का केंद्र है राम है, केंद्रित हो जाता है और एकाग्र हो जाता है, एक जगह है जो है रहता है, भटकता नहीं है, भ्रमित में नहीं रहता है कि उधर से क्या हो गया, उधर इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, उधर क्या हो गया, बस हम अपने उसमें रमे रहते हैं। महाराज जी उनके चरणों में निहारते रहते कि हाँ उनका चरण हम छू रहे हैं, हमारे को दर्शन हो रहा परिवार से या स्वयं मिलन हमारा हो रहा है, हमारे हाथ भी चलते रहते, इंद्रियां भी चलती रहती है जितने हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, महाराज जी ने ये कहा राम का नाम वो इसलिए लिखते हैं कि राम इनको भटकने से बचाते हैं, इनका मन केंद्रित कर देते हैं, नहीं जो भ्रम है, ये जो संसार है ये भ्रम है, सब भ्रम है, ये सब हमें जाना, हमारी यात्रा क्या है, भ्रम से ब्रह्म की तरफ, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने बताया, हम दोबारा भी इनसे बातें करेंगे, आज कुटिया के बारे में करी, इनसे राम जी का नाम लिखने के बारे में करी, अगली बार दूसरी दिनचर्या करेंगे इनसे कि जब ये 12 साल पहले छोड़ के आए थे उस संसार को जिसे हम माया वही कहते हैं, फिर ये चोला बदला तब कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों, आज का भी आपका हमने दूसरे रास्ते ले लिया, हमारा आपका प्रेरणा बनी रहे। जी जी जी, ऐसे भी गंगा मैया के घर पे आपका हमारा होते मिलन यही बहुत है, क्या पता पहले अगला जीवन में हमारा आपका हो रहा हो या तो मिलन हो रहा हो, नहीं सबका मिलन हो जाएगा, ये सारा संसार कुंभ का मेला ही है, पूरा संसार सबका यहाँ मिलन ही तो हो रहा है, मिलन और यहाँ मिलन, चलन और मिलन सबका यहाँ यही है।